एक आदमी जो सहयोग करता है और जो सहयोग नहीं करता है, उसके शारीरिक सौष्ठव में भी, उसके शारीरिक शक्ति में और दूसरे आदमी के शारीरिक शक्ति में ही बड़ा अंतर। और भी जो साइकोसोमैटिक जो असाध्य रोग है उस पर भी मेहनत की गई है और उस पर भी देखा गया इससे असाध्य रोग ठीक होते हैं। तो आप ही के अंदर आपकी शक्ति है और आप ही के अंदर आपकी दवा भी है और आप अपनी ही चीज को प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं पड़ता, कोई भी लेना देना नहीं, सब आपका अपना है। जब आप अपनी ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी दूसरों को जागरूक कर सकते हैं और आप भी दूसरों को कर सकते हैं, आप भी उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जागृति होती बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे असाध्य रोग सहयोग से ठीक हुए हैं इस 19 साल में हमने देखे, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है असली माने। उसको किसी भी प्रकार की चीज दबा नहीं सकती, कोई भी आदत उसके व्यक्तित्व को अपने मुट्ठी में नहीं ले सकती। ऐसा आदमी अपनी स्वतंत्रता में अपने गौरव में खड़ा रहता है, उसको किसी चीज की ना गरज रह जाती है ना किसी का भय रह जाता है, वो अपने मस्ती में रहता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा कि फिर मस्त हुए फिर क्या बोले। आज न जाने क्यों कबीरदास जी की बड़ी याद आ रही है, बड़ी मेहनत कर गए, शायद होगी इन सब संत साधु अलिया निजामुद्दीन साहब यहां हो गए, बड़े बड़े अलिया भी हो गए, इन सब की मेहनत से ही शायद आप लोग आज यहां पधारे हैं अपने आप को साक्षात्कार के लिए। उन सब को याद करके सोचते हैं या आज वो भी सोच रहे होंगे कि जो हमने इतनी मेहनत की, यहां पर इतना हमने चैतन्य फैलाया, लोगों से इतनी बातचीत की, उसका आज फल मिल रहा है। क्योंकि फल पाने का समय आ गया, ये समय ऐसा है कि ये समय हजारों वर्ष पूर्व बताया गया था कि ऐसा समय आएगा और आज ये समय आ गया कि हजारों फूल बाग में खिल गए हैं। पहले तो एक ही दो फूल खिलते थे लेकिन आज हजारों फूल खिले हुए हैं और संसार में रह करके ही आप इसे प्राप्त हो सकते। संसार से भाग कर नहीं, संन्यास की बात करने से नहीं, संसार में ही रह करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको ये चीज प्राप्त हुई वो समझ लेता है कि अब तो मैं परमात्मा के साम्राज्य में आ गया, क्योंकि हर तरह की कृपा हर तरह का आशीष उस पर बरसता है। कोई आपको दुख देने की अपने शरीर को जरूरत नहीं, अपने को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, उपास करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको अपनी माँ को सताना हो तो आप उपास करें। पता नहीं कहां से ये उपास की विधि निकाली कि तुम तो सारा उपास करो और पैसा सब हमें दो। ऐसी कोई भी विधि आपको करने की जरूरत नहीं जो असहज, सर्वसाधारण गृहस्थी में ही रहते हुए आप इस चीज को प्राप्त होते हैं। आपकी गृहस्थी के भी प्रश्न टूट जाते हैं, आपसी रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और एक नवीन तरह की एक शय आप बन जाते हैं। लेकिन हम तो कहें कि ऐसी तो पूरी जमात की जमात तैयार हो रही है, इसी का वर्णन किया गया है, जो बताते हैं इसी का वर्णन किया गया है। और सारी दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आफतें हैं, वो मनुष्य ने ही बनाई है, इसलिए उसके परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। जब तक मनुष्य नहीं बदलेगा तब तक आपका संसार ठीक नहीं हो सकता। इस परिवर्तन की क्या कहेंगे कि हमने देखा जो लोग हाथ में हमेशा
क्रोध लिए घुमा करते थे, वो हाथ में प्यार का ध्यान लिए घूम रहे। आपको देखना चाहिए इस सहयोगी जो इंग्लैंड में है, जो कि इंग्लिश लोग जिनको हम सोचते हैं कि बड़े राक्षसी होते हैं, वो जब यहाँ आते हैं तो इस भारत माता की थोड़ी सी धूल अपने सर पर चढ़ाते। ये योग भूमि है, इस भूमि से ही हमें ये आत्मदर्शन हुआ। और जब देहातों में जाते हैं तो गरीब बेचारे देहात में, बहुत सारे गरीब देहाती योगी हैं, ऐसे उनसे गले मिलते हैं, ऐसे प्यार से उनसे बात करते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के रोते हैं कि पता नहीं कितने जन्म के ये भाई आपस में मिल रहे हैं। और देख देख कर ऐसा आनंद होता है, ये प्रेम का सागर, ऐसी दुनिया अब बन गई है। मैं रोज ही देखती हूँ इस तरह की दुनिया बनते हुए, मैं तो सोचती हूँ कि ऐसी दुनिया बस जाए, इसकी बहुत जरूरत है, जहाँ मनुष्य अपने परिवर्तन को देखे, अपने आनंद को देखे। इस आत्मा के ज्ञान से मनुष्य सत्य को जानता है, केवल सत्य को, और जब उसका चित्त आलोकित हो जाता है तो ऐसी ऐसे इंसान की एक नजर भी काफी है कि आपको शुभ आशीर्वाद देते। ऐसा आदमी जहाँ खड़ा होगा वहाँ शांति हो जाएगी, जिस घर में जाएगा वहाँ चैन आ जाएगा, जिसके सर पे हाथ रखेगा उसका भला हो जाएगा। क्योंकि अपने हित के लिए ही परमात्मा ने ये सुंदर सी चीज हमें दी हुई है, और इस चक्र के भेदन से ही आप इसे प्राप्त होते हैं। कृष्ण की जो दूसरी बात उन्होंने कही कि भक्ति में तुम जो कुछ दोगे उसे स्वीकार ही होगा, लेकिन भक्ति अनन्य होनी चाहिए। देखिए कितनी कमाल की बात है, एक शब्द पे नचा रखा है दुनिया को, अनन्य माने जब दूसरा न हो। एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वजह यह है कि जिस वक्त आप अनन्य होते हैं, जब आप परमात्मा से एकाकारिता तथागत हो जाते हैं, तब एक बार ही नाम ले लिया, जब जरा गर्दन झुका ली देख लिया, ऐसा ही हाल होता है कि मनुष्य के अंदर भक्ति में वो ऐसा रचता है कि जैसे आनंद के डोह में और आनंद के तरंगों में लहरता है। इस भारतवर्ष में हर जगह संतों ने इस आत्म साक्षात्कार का वर्णन कहा है। नामदेव थे, बड़े भारी महाराष्ट्र के कवि थे, और बाद में वो जब पंजाब में गए तो नानक साहब ने उनको पहचाना, बड़ा उनका आदर किया, और उनके भी बहुत सारे काव्य ग्रंथ साहब में रखे हुए। नामदेव एक बार एक दूसरे संत गोरा कुम्भार उनसे मिलने गए। जब गोरा कुम्भार, कुम्भार आने की जो उनका मराठी कुम्भार कहते हैं, जिसे हम लोग कुम्हार कुम्भार कहते हैं, जो कि ये बनाते हैं घड़े वगैरह, मिट्टी जो से घड़े बनाते हैं, उनको देख के वो कहते हैं कि मैं तो निर्गुण को मिलने आया था। मराठी में है निर्गुणाचा बेटी आलो सगुणा, मैं तो निर्गुण को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा है रे, क्या कहना है। ऐसे कोई कहता है, कोई इंसान दूसरे आदमी से ऐसी प्यार की बात कहेगा कि मैं तो निर्गुण को मिलने आया, तू तो सगुण में खड़ा है, क्या कहने इन लोगों के। ऐसे ही संत लोग आज हमें भारतवर्ष में तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए गृहस्थी छोड़ना और सब नाटक की कोई जरूरत नहीं। आदमी अंदर से ही छूट जाता है, और उस महान प्रेम को जब वो अनुभव करता है तो उसको लगता है कि किस किस को बुलाओ। ऐसे कबीरदास जी ने कहा था, पांचो पच्चीसो पकड़ बुलाऊ, एक ही डोर उड़ाऊंगा। सारे मिलन के गाने इन लोगों ने गाए, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी, और इधर में बंगाल में भी, और दक्षिण में भी, हर जगह मैं जाती हूँ। अभी गई थी गुजरात, वहां भी सारे संतों ने
सारे वातावरण में ये गूंजा रखा है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो और संत बनो, और ये बनना कोई मुश्किल नहीं है। आज समय आ गया है, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि इस समय में आप आए, और हम भी बड़े भाग्यवान हैं कि आपके आते हम भी आ गए, जिससे कि ये कार्य घटित हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग इसे प्राप्त करते हैं कि आपके अगर कोई चीज कसी हुई हो तो वो भी जरा ढीली कर ले, और गले में कोई माला वाला पहने हो किसी गुरु गुरु की तो उसको निकाल दीजिए इस वक्त, अभी कोई माला नहीं। अब इसमें ऐसे तो सहज भी जागृत होती है कुंडली में, लेकिन मैं आपको थोड़ा चक्रों के स्थान बताऊंगी जिससे आप जान जाएंगे चक्र भी कैसे जगाए जाते हैं। आप स्वयं ही अपने चक्र जगाएंगे, और बहुत आसान चीज है, कोई उसमें परेशानी की चीज नहीं। आप में तीन नाड़ियां हैं, एक नाड़ी है जिससे हम इच्छा करते हैं, इसलिए आप इस लेफ्ट हैंड को मेरे और करें। मैं लेफ्ट और राइट कहूंगी क्योंकि हर भाषा में लेफ्ट राइट को अलग तरह से कहते हैं, लेफ्ट हैंड मेरे और करें इस तरह से, या आराम बोध पर इस तरह से होना चाहिए, यूं ना हो ना यूं, हल्का सा यूं खोले जैसे कुछ मांगा। ये आपकी इच्छा कि आप आत्म साक्षात्कार चाहते, सब लोग इस तरह चाहते। पहले आपको मैं दिखाती हूँ, उसके बाद आंख बंद करनी होगी। फिर आपका राइट हैंड आपको हृदय पे रखना होगा, हृदय हृदय में रखना है इसलिए कि हृदय में आत्मा का स्थान है, ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर है, और कुंडली जो है उनकी शक्ति है जिसे आदि शक्ति कहते हैं, जो सारी दुनिया बनाई वो आदि शक्ति उसका प्रतिबिंब है। इसलिए पहले अपना राइट हैंड आप हृदय पे, उसके बाद सारा काम लेफ्ट साइड में करेंगे, लेफ्ट हैंड क्योंकि हमारी ओर, राइट हैंड किया शक्ति है, इसलिए पहले हृदय पे रखे और उसे आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखे। ये हमारे मूल तत्व का चक्र है, इसे हमें हमारे सदगुरु ने बनाया है, जो कि 10 तत्व है, 10 तत्व है, उसके लिए आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे रखे पेट के ऊपरी हिस्से में। उसके बाद में यही राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रखे लेफ्ट हैंड साइड, ये शुद्ध विद्या का चक्र है। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून हमारे अंदर काम करें, प्रादुर्भाव हो। जैसे समझ लीजिए कि एक जानवर को आप किसी गंदी गली से जाने को कहें तो वो सीधा चला जाए, कुत्ता हो चाहे बैल हो, गधा हो चाहे घोड़ा, पर इंसान नहीं जा सकता। पर जब वो शुद्ध विद्या को प्राप्त करता है तब वो गलत गली में नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर चैतन्य बहने लगता है, और इस चैतन्य से वो जानता है कि गलत चीज है। जैसे ही कोई गलत चीज उसको लगती है तो उसके हाथ में गर्मी से आने लग जाती है, फिर उसके बाद देखता है कि चैतन्य हाथ नहीं लग रहा, उसे छोड़ देता है। यही संतों के लक्षण है कि संत जो है गलत रास्ते से नहीं जाता, वो गंदगी से नहीं गुजर सकता, अपनी निर्मलता में ही हमेशा रहता है। तो ये चक्र शुद्ध विद्या का है, ये आपके अंदर आपके व्यक्तित्व में आपके हस्ती में समाना चाहिए, सिर्फ दिमागी जमा खर्च नहीं। उसके बाद यही राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, जो गुरु तत्व का है, और फिर आप हृदय पे रखेंगे। अब बार बार मैंने आपसे कहा है कि आप अपने को माफ करें और अपने प्रति प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि ये चक्र बहुत पकड़ता है।
यहाँ पर सामने से हाथ में, पीछे से नहीं, इधर से हाथ, यहाँ ऐसे हाथ रखे पीछे, और गर्दन को राइट साइड में मोड़। ये चक्र बहुत लोगों का पकड़ न जाने क्यों। अब आप ये हाथ अपने कपाल पर, या माथा कहते पता नहीं, कपाल पर इस तरह से रखें कि दोनों तरफ से आप उसे अच्छे से दबा सकते, जैसे सरदर में दबाते। ये स्थान क्षमा करने का है, सबको क्षमा करने का। उसके बाद अपना राइट हैंड अपने सर के पिछले हिस्से में रख करके और सर को ऊपर उठाए, उस पर झेल लें अपना सर।